भाई मुंबई का निकलने के लिए क्राउड तो देखो, सभी लोग जस्ट अभी तो आया, अभी अंदर बैठा है। So what's good everybody, welcome back to my YouTube channel। काफ़ी टाइम से मैंने एक व्लॉग नहीं डाला था एंड वो व्लॉग को मतलब बनाए हुए अरसा हो गया, एक साल हो गए एंड उसके लिए मुझे स्टोरी टेलिंग करना ज़्यादा ज़रूरी पड़ चुका था, जस्ट बिकॉज पंगे ऐसे हो चुके थे कि यार क्या ही बोला जाए। और जो ये आप लोग वॉइस सुन रहे हैं मेरी, ये मेरे हाथ से नहीं आ रहा है, ये बेसिकली एक मेरा माइक है डिजिटेक का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था कि भाई बहुत बहुत साउंड आ रहा है करके, मतलब आगे पीछे का आवाज़ आ रहा है लेकिन तू जो बोल रहा है वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने बोला भाई कोई एक अच्छे से माइक में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज बजट वाले, बिकॉज अभी कैसा है अपनी ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे जैसे बढ़ेगी तो अच्छे और महंगे महंगे माइक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये एक 3000 रुपीज़ का माइक है डिजिटेक का, जो मैं अभी इसका डिटेल रिव्यू मैं आप लोग को कोई और वीडियो में दूंगा। अभी जो है इम्पॉर्टेंट वो है हमारा बैंगलोर व्लॉग, जहाँ पे हमने U-25 में मज़े किए थे अपने दोस्तों के साथ एंड सेकेंड डे पे भाई साहब जो बैंड बज गई थी हमारी, अलग लेवल बैंड बजी थी। उसके बाद हाय गाइस, सेकेंड डे, डे टू मेरे लिए डे टू थोड़ा लेट हुआ। हाँ, मेरे लिए काफ़ी लेट हुआ बिकॉज मैं बीमार था। ये लोग कॉल किए जा रहे सुबह से, भाई कब आएगा। मैं पूछ रहा था कब आएगा बाथरूम से। यहाँ पे जब बीबी ने बोला कि कब आएगा बाथरूम से, तो उसका एक पंगा ये हो गया था कि भाई बैंगलोर का वेदर और पुणे और मुंबई का वेदर काफ़ी अलग है। आई वॉज टोटली फाइन, आई फेल्ट दैट कि मैं मतलब मुंबई वाले वेदर में ही हूँ, बट अचानक से एक ठंडी हवा लगी भाई, पता चल गया कि भाई बैंगलोर का वेदर कुछ अलग है। एंड उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई कुछ नहीं हो जाएगा, ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। And the very next day when I went to the U-25 event on the very first day of our Bangalore trip, वहाँ पे भैंड बच चुकी थी गर्मी की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ें थी एंड अगले दिन मेरा पेट खराब हो गया एंड आई गेव अप एंड आई लेजिट गेव अप। उस सिचुएशन में मैंने कैसे कैसे व्लॉग किया एंड कुछ कुछ शॉर्ट्स लिए, कुछ नहीं ले पाए एंड जस्ट बिकॉज मुझे मुंबई का निखिल से मिलना था एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम। तो भाई हम गए थे वहाँ पे एंड सीन्स ऐसे थे कि आई एडमायर हिम अ लॉट, बट द थिंग इज आई हैव मेट हिम अ लॉट ऑफ टाइम्स, नॉट फेस टू फेस, ऐसे बातचीत नहीं हुआ है, बट देखा है लाइक एक अपने मेंटोर को देखो तो इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल कि भाई उससे आप कुछ सीख रहे हो, तो लाइक दैट। सो यहाँ से हमारी मैडनेस की शुरुआत हुई। मैं तो लोगों से जैसे भाग नहीं रहा था लेकिन लोग मुंबई का निखिल के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, बिकॉज आई हैव सीन हिम अ लॉट ऑफ टाइम, जिसके वजह से आई वॉज यूज टू इट, बट जितनी बार देखो उतना कम है। तो भाई मेरा जो फैन बॉय मूवमेंट था वो एक अलाइव मूवमेंट हो चुका था। So, ये भी, how was it? How was the experience? तूने फोन मनन को दे दिया था ना सीधा? मनन को दिया, मनन को मिला आपसे, अच्छा लगा। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा भाई को मिलते हैं। और भाई कैसा लगा तुझे मिलके? क्या हो गया? नहीं दर्द, इमोशनल हो। मैं हजारों बार मिला है, एक ही बार मिला है ब्रो, और एक बार मिलेंगे एज अ ब्लॉगर। अच्छा, मैं बहुत बार मिला है पवन, जिस तरीके का यहाँ पे बोलते ना वाइब हिट हुआ है अभी, बहुत ज्यादा हाइप, बहुत ज्यादा क्रिएट करके रखा है लोगों ने। भाई मुंबई का निकलने के लिए क्राउड तो देखो, सभी लोग जस्ट अभी तो आया, अभी अंदर बैठा है, लोग आके खड़े हो गए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ से तो भगा दिया, उधर है, मतलब जैसे आएगा तो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक अ मैग्नेट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट किया मुंबई का निकलने के लिए, वो ऑलरेडी हाइप क्रिएटेड है पहले से, द किंग ऑफ व्लॉगिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद जो मेरा दोस्त है मनन, वो कैमरा लेके निखिल भाई का ऐसे व्लॉग शूट कर रहा था बेसिकली। भाई मनन ब्लॉगर हो गया। मनन ओपन द चैट, निखिल भाई इधर। और मैं वहां पे जाके मस्ती कर रहा था और मनन की टांग खींच रहा था एंड लेजिट मुझे ज्यादा मजा आया इसीलिए, जस्ट बिकॉज मेरी जो पूरी गैंग थी, मेरी जो पूरे दोस्त थे वो वहां पे थे एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दैट थिंग। भाई नेक्स्ट लेवल मजे आ रहे थे एंड आप देख ही सकते हो भाई, अभी सीन कुछ ऐसा हो चुका है, धूल मिट्टी के जैसे पूरा
शरीर और मुंह शक्ल सब कुछ काला हो चुका है यार। भाई तेरा भी शक्ल काला हो गया ना इसकी वजह से, बहुत भाई धूल मिट्टी की वजह से। होटल में पहुंच के मुंह धोया ना तो फिर 1.5 किलो मिट्टी निकली है मुंह से भाई। सेम लेजिट सेम मेरे बालों में से ऐसे, मतलब मैं पानी डाल रहा है ऐसा मिट्टी गिर रहा है। मैं आवाज भी बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। मैं नहीं चिल्ला रहा भाई, मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मेरे आवाज के साथ। ध्रुव ठक्कर दो चला, ध्रुव ठक्कर ध्रुव ठक्कर शॉट। बस सीटी मर्डर लग रहा तेरा। लेट्स गो। अ लॉट एक्साइटेड राइट नाउ। बहुत भाई बहुत बहुत अमेजिंग। व्हाट अबाउट यू? No, no, even, even, even I am very excited right now. No words to express right now. No words. Okay. Taking the nation by storm, we appreciate all the bubbles and active dynamics in the form of introducing her on stage. Autograph! Bye, 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 bye! Hey, hey, photo! Can you vlog from this? Can you vlog from this? Sherry, Sherry, Sherry! Nikhil bhai! Hey, hey, photo, Nikhil bhai! So, भाई उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई थी कि मुझे MSK मिला, जैसे हम अभी अनएक्सपेक्टेड एंगल में कमर खोल के ऐसे कर रहे हैं। कैसे हो? कैसा चल रहा था राइड? बढ़िया बढ़िया, सही है सही है। तो भाई कुछ ना कुछ तो मैं सोच के ऐसे क्रिएटिव कर रहा हूँ कि भाई जो अटेंशन स्पैन है लोगों का 15-15 सेकंड का, वो हम खींच के 1-2 मिनट पे लेके आए भाई। वो अगर हो गया तो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल सीन्स हो जाएंगे। बट हाँ, मुझे MSK भाई मिल गए वहाँ पे। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि भाई वो वहाँ पे मेरे को इवेंट में मिलेंगे, बिकॉज उनकी खुद की राइड चल रही थी एंड वो फिर वहाँ पे आए थे। लाइक हैट्स ऑफ भाई, मतलब एक इवेंट पे जब लोग बुलाए एंड आप उसी टाइम पे अपने ट्रिप को आधा छोड़ के वहाँ पे आ रहे हो एंड फिर से ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हो, दैट्स अ ब्लॉग फॉर यू। भाई मुझे फिर मिले जॉर्ड इंडियन और इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि जॉर्ड इंडियन आएंगे और एक बहुत अच्छा काम करके जाएंगे, क्योंकि एक फैन था उनका जो हैंडीकैप था अनफॉर्चुनेटली, एंड मुझे भी वो देख के अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, क्या कर सकते जिंदगी में होगी। बट जॉर्ड इंडियन खुद स्पेशली उस फैन के लिए आए। भाई मैं खुद दिल से ये चीज़ कहता हूँ कि भाई इतने सारे जो फैंस हैं हमारे, मेरे तो अभी फिलहाल बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं उनके लिए तो मैं दिल से कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ भाई। मतलब वो मिलना भी चाहेंगे मुझे, बातचीत करना चाहेंगे, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी। हमारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर मेरी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होगी फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू, बिकॉज भाई मैं आप लोगों के लिए हूँ हमेशा के लिए। और भाई अगर भगवान किसी को भेजता है तो भाई अच्छे कामों के लिए भेजता है। तो कंटेंट क्रिएटर जो होता है, इन्फ्लुएंसर जो होता है, इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है अच्छी चीज़ें। और ये चीज़ देखने के बाद तो भाई एकदम क्लियर हो गया था कि मतलब जॉर्ड इंडियन जो है वो कुछ ना कुछ मतलब अच्छा काम ही कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख लिए, मैं भी मतलब भाई खुश हो गया था उस चीज़ को देख। और पूरे पूरे 2 दिन के अंदर अंदर जो बैंगलोर का सीन था, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे उसी सिचुएशन में मिली सबसे। एंड वैसे ही करते करते बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को मिलते मिलते कुछ इवेंट्स नहीं रिकॉर्ड करते करते, जस्ट बिकॉज मेरी गलती थी। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे पूरे इवेंट में। एंड में जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी वो एक्सपेक्टेड से भी बहुत अच्छी गई। एंड कुछ चीज़ें थी कि इतने सारे भीड़ में हम गुम हो चुके थे एंड फिर भाई मैं तो लोगों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। बट हाँ, आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली हैड दैट फन कि भाई बैंगलोर में आने के बाद अपने दोस्तों से मिलो और इन्जॉय करो, एंड दैट वॉज समथिंग आई वॉन्टेड एंड वो मुझे मिला। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। बट हाँ, ये जो सफ़र है, ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए कभी भी ज़िंदगी में, ये सफ़र जो है चलते रहना चाहिए। तो भाई जब तक ये सफ़र चलते जाएगा बहुत ज़्यादा मज़े आते जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ती जाएंगी, ऐसे वीडियोज़ आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको कोई भी रीज़न से पसंद आई होगी तो हिट द लाइक बटन। अगर ये चैनल पर नए हो और ये आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा है बंदा, तो किसी ना किसी रीज़न से कह रहा है,
तो वो जाके आप रेड बटन दबा दोगे तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। और भाई आए हो तो कमेंट करके जाना, क्योंकि आप लोग का जो थॉट्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मुझे, क्योंकि आप मुझे अगर कमेंट करके बताओगे कि भाई ये चेंजेस करिए कर, तो मैं उस चीज़ को कोशिश करते रहता हूँ। जैसे कि ये हमने नया माइक ले लिया, जैसे लोगों ने बोला कि भाई माइक का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस बहुत ख़राब आ रही है, बाहर का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है और तेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो मैंने भाई माइक ही ले लिया डायरेक्टली। फ्री फील टू कनेक्ट ऑन द इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज मैं आप लोगों को वहाँ पे हमेशा बातचीत करते दिखूंगा स्टोरीज पे, और आप लोगों को रिप्लाइज भी दूंगा कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस में। भाई मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।